Zombie Apocalypse. आदर आदाब अभिनंदन आभार, मैं कहकशा अमरीन स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल के बीसी गर्ल कहकशा अमरीन में। सो गाइज़ वेलकम टू माय चैनल और आई होप कि आप सभी अपने घर पर होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ केबीसी ऑनलाइन ऑडिशन जिसमें कि जीके राउंड प्लस वीडियो राउंड होता है, उन दोनों के बारे में। सब कुछ मैं आपको एक एक पॉइंट बताने वाली हूँ अलॉन्ग विद द इमेजेस, ठीक है। तो आपको पता है कि जीके राउंड और वीडियो राउंड 30 मई को ही सेम डे दोनों होने वाला है, तो उसके लिए क्या करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, सब मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें, ठीक है। तो सबसे पहले लेवल 1 जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आपने क्लियर कर लिया, लेवल 2 IVR कॉलिंग NTC कॉलिंग वो भी आपने क्लियर कर लिया, और अभी आया है IVR कॉलिंग फॉर ऑनलाइन ऑडिशन प्लस वीडियो राउंड, ये है लेवल 3। बट ये तीनों क्लियर करने के बाद एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको ऑनलाइन ऑडिशन में प्रेजेंट होना होगा और वीडियो राउंड में वीडियोस बनाकर अपलोड करने होंगे, ताकि जो लेवल 4 है वो भी आपका क्लियर हो जाए। तो मेक श्योर कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन ऑडिशन के लिए कॉल्स आएंगी 23 मई से ये शुरू हुई हैं और ये आएंगी 29 मई तक, ओके। और ऑडिशन राउंड और IVL कॉल राउंड के बारे में अगर आपको जानना है तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या फिर आप क्लिक कर सकते हैं आई बटन, ओके फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, ओके। तो लेवल 4 जैसे कि मैं बता रही थी कि ऑनलाइन ऑडिशन टेस्ट होता है जो GK टेस्ट है, 30 मई 2021 को 11 बजे सुबह में होगा और आपको लॉगिन करना होगा सोनी लिव ऐप पर, ठीक है, जिसमें आपको 10:30 बजे लॉगिन कर लेना है। अगर आप 10:30 बजे के बाद लेट करोगे लॉगिन तो आपका लॉगिन नहीं हो पाएगा और आप ऑनलाइन ऑडिशन नहीं दे पाओगे। तो मेक श्योर कि 10:30 बजे प्रॉपर आप लॉगिन कर लो। तो देख लेते हैं स्टेप 1 और स्टेप 2 क्या है। तो स्टेप 1 है आपका ऑनलाइन ऑडिशन GK टेस्ट, उसके तुरंत ही बाद आपको करना है ऑनलाइन वीडियो सबमिशन, जिसमें आपको अपने इंट्रो वीडियोज़ बनाकर एक एक करके अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले आपको सोनी लिव ऐप खोलना है, अगर इंस्टॉल किया हुआ है और अपडेट का वर्जन आ रहा है तो आपको पहले उसको अपडेट करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले सोनी लिव ऐप अपने प्ले स्टोर से लॉगिन करके खोलोगे तो आपको फ्रंट पेज दिखेगा इस तरीके का, जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, बैनर आ जाएगा। तो आपको इंग्लिश या हिंदी सेलेक्ट करना है, इसमें आप अपने कन्वीनियंट लैंग्वेज चूज़ करोगे, फिर उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज करते हो तो वहाँ पर OTP सेंड करने का ऑप्शन आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे KBC ऑनलाइन ऑडिशन टेस्ट के बाद आगे जाना का ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो उसके बाद यहाँ पे नियम और शर्त आ जाएंगे। दोस्तों मेक श्योर कि आप नियम और शर्त अच्छे से पढ़ लें, और जो तीनों बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको सबमिट टिक करने के बाद लास्ट में आपको करना है सबमिट, तो ही आपका हो पाएगा, ठीक है। मेक श्योर आप ये अच्छे से कर लो। उसके बाद आपको शो होगा कि GK टेस्ट है, तो निर्देश GK टेस्ट आज प्रातः ठीक 11 बजे शुरू होगा। उसके बाद आपको शो होगा कि कृपया इस स्क्रीन पर ही रहें और अपना GK टेस्ट शीघ्र ही शुरू होगा, ठीक है। तो GK टेस्ट शुरू होने के लिए सर आपको गाइडलाइंस देंगे और आपको इंतज़ार करते रहना है, बैक नहीं जाना, अगर आप बैक जाओगे स्क्रीन हट जाएगा, प्लीज़ बैक मत जाना। तो सबसे पहले आपके पास आएंगे 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपके वार्म अप के लिए होंगे। मैं बता दूं जानकारी के लिए कि 3 क्वेश्चंस का जो मेन ऑनलाइन टेस्ट है उससे कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। तो उसके बाद आएगा आपको टोटल 20 क्वेश्चन, यहाँ पे आपको शो करेगा कि कृपया स्क्रीन पर बने रहें, अभी तुरंत GK टेस्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे मैंने बताया कि प्रैक्टिस सवाल आएंगे, तो यहाँ पे 23 दिखा रहा है, 23 में से 3 प्रैक्टिस सवाल है, ठीक है। उसमें से क्वेश्चन आते जाएंगे 1, 2, 3, उसके बाद आपको शो करेगा कि आपने अपना वार्म अप को पूरा कर लिया है, तो अभी हम बढ़ते हैं मेन टेस्ट की तरफ, ठीक है। तो अभी आपको ये शो कर रहा है तो उसके लिए घबराएं ना, अगर आपको नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका, ठीक है। आगे देखना है कि इस तरीके से पहला क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन यानी कि 23वां क्वेश्चन तक आएगा, और आपको जितने भी आते होंगे आपको उसका सही सही जवाब देना है और मेक श्योर कि गड़बड़ ना हो। और जैसे ही आप क्लियर करते हो तो यहाँ पे आपको शो करेगा कि GK टेस्ट आपने कंप्लीट कर लिया है और अब आप वीडियो राउंड के लिए आगे जाएं, तो आपको आगे जाएं जो है उस पर क्लिक करना होगा, ठीक है।
जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको शो करेगा वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करें, तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करने पर क्लिक करना होगा, ठीक है। और जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका वीडियो रिकॉर्ड होना के लिए जो भी प्रोसीजर्स है वो आपको सर एक एक करके आकर बताना शुरू करेंगे, ठीक है। इसके बाद सवाल आना शुरू हो जाएगा, इस तरीके से 6 सवाल आएंगे। तो पहला सवाल ये आता है कि हमें अपने बारे में कुछ बातें बताइए, जैसे कि आपका नाम, आपकी उम्र, मोबाइल नंबर, जन्म स्थान, निवास स्थान, शैक्षिक योग्यता और आपका व्यवसाय। तो आपको अपना इंट्रो वीडियो बेसिकली बनाना है, ठीक है। और बहुत सारे इस पर जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको दिखेंगे जो कि आपको अच्छे से फॉलो करने हैं। तो जैसे आप रिकॉर्डिंग करने लगेंगे ना, तो आपको स्टार्ट रिकॉर्डिंग का पेज शो करेगा, जिसमें कि आपको इंग्लिश हिंदी जिसमें आपने चूज़ किया उस पर आएगा, और उसमें बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए मैं रूल्स पढ़कर आपको समझा देती हूँ। तो रूल्स ये हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आपको एक वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए देना है और उसे सबमिट करके दर्ज करना है। फिर है स्टार्ट रिकॉर्डिंग शब्द पर क्लिक करने के बाद आपको कैमरा को अनुमति देना होगा, ठीक है। आप चाहो तो आप पहले से भी वीडियो रिकॉर्ड करके रख सकते हो। तो जैसे आप रिकॉर्ड करने पर क्लिक करोगे रिकॉर्डिंग पर, तो आपको दो ऑप्शंस दिखाएंगे, वेबकैम या फिर फाइल। तो आपके पास ऑलरेडी है तो आप फाइल पे क्लिक करके उसको कर सकते हो, ठीक है। और जैसे ही आपको कंफर्म करना है तो आपको ये येस नो का बटन दिखेगा। इनकेस आपको लगता है कि नो प्रेस करना चाहिए, तो नो प्रेस करने के बाद आपको फिर से वेबकैम और फाइल का ऑप्शन दिखेगा, और इसमें आप किसी पे भी क्लिक करोगे तो आपको रिकॉर्डिंग शुरू करे ये फिर से पेज आ जाएगा। और इसमें नियम शर्त लिखे हुए हैं कि आप अपने वीडियो रिकॉर्डिंग को वापस से कर सकते हो, ठीक है। तो नो येस का बटन फिर शो करेगा, जब तक आप अप्रूव नहीं करोगे तब तक वो वीडियो सबमिट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर और भी रूल्स रेगुलेशन से वो देखते हैं कि अवधि जो है वो 1.5 मिनट से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए किसी भी वीडियो की। मतलब ये है कि 1.5 मिनट से ज़्यादा की ड्यूरेशन आपकी वीडियो की नहीं होनी चाहिए। इनकेस 1.5 मिनट के अंदर ही ड्यूरेशन है बट वीडियो का साइज़ बड़ा है, तो उसको कंप्रेस करने का क्या तरीका है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो एंड तक जुड़े रहे मेरे चैनल KBC गर्ल कहकशा अमरीन के साथ, ओके। तो जैसे आप अप्रूव कर दोगे तो यहाँ पर आपको पॉपअप मैसेज आएगा, अपलोड सक्सेसफुल, प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस आपको फिर से दिखेंगे। स्टार्ट रिकॉर्डिंग का बटन दिखेगा, नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हमें अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए और उनके साथ अपने रिश्तों के बारे में भी बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपनी फैमिली का इंट्रो देना है, तो मेक श्योर कि आपको 1.5 मिनट के अंदर अपनी फैमिली का इंट्रो दे दें और आप फिर रिकॉर्डिंग शुरू कर दें। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, तो हम देख लेंगे कि वो क्वेश्चंस क्या क्या पूछ रहे हैं सर, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन ये है कि अब आप हमें अपने काम के बारे में कुछ बताइए, जैसे कि आप क्या करते हैं, कितने सालों से ये काम कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। हर एक वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिखेंगे, प्लस उसको सबमिट करने के लिए आपको पॉपअप मैसेजेस दिखेगा और सबमिट करने के बाद भी दिखेगा, तो घबराए नहीं। तो बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तो तीसरा सवाल ये है कि अब अपने बारे में कुछ बातें बताइए, जैसे कि आपके शौक क्या हैं, आपकी पसंद नापसंद क्या है, आपके बारे में एक अच्छी और एक बुरी बात क्या है, वगैरह वगैरह। तो इसमें आपको अपनी हॉबीज़ का जिक्र करना है, और आप किसको पसंद करते हो, क्या नापसंद है आपको, और आप में क्या क्वालिटीज़ हैं और क्या बैड क्वालिटीज़ हैं, गुड बैड दोनों एक एक बतानी है, ठीक है। तो उसको रिकॉर्ड करके 1.5 मिनट के अंडर में ही वीडियो को कंप्रेस करके आपको रिकॉर्डिंग्स को सबमिट कर देना है, ठीक है। रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर से आपको पॉपअप मैसेज आएगा, अपलोड सक्सेसफुल। इनकेस अगर आप उसको अपलोड नहीं करना चाहते हो तो वापस से आपको ऑप्शंस मिलेगा कि आपको ये अपलोड करना है कि नहीं, फिर से आप अपने हिसाब से अपने पसंद से वीडियो को अपलोड कर देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आपका COVID-19 लॉकडाउन का अनुभव कैसा रहा। तो जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा COVID-19 लॉकडाउन का, उसको आपको अच्छे से शेयर करना है, ठीक है, लिमिटेड वर्ड्स में। लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि आप KBC में क्यों आना चाहते हैं, जो कि सबसे मेन क्वेश्चन है। आपको बिल्कुल सटीक जवाब देना है इसमें, बिल्कुल गलत सलत मत बोलिएगा कुछ भी, अच्छे से आपको आंसर्स प्रिपेयर करके देना है।
इतना करने के बाद इन केस अगर आपका कुछ वीडियो रह जाता है या फिर कुछ अपलोड नहीं हुआ और आपको उसके बारे में नहीं पता है, तो यहाँ पे आपको शो करेगा कि आगे बढ़ने के लिए कृपया सभी वीडियो को अपलोड करें। तो डोंट वरी, आपको ये पॉपअप मैसेज शो कर देगा, तो आपको उस हिसाब से फिर वीडियोस को अपलोड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से रूल्स एंड रेगुलेशंस देख ले रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रिकॉर्डिंग के बाद अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आपने एक बार वीडियो सबमिट कर दिया तो फिर उसको वापस से दोबारा वीडियो अपलोड नहीं किया जा सकता है। तो मेक श्योर कि जब आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो तो आप कर सकते हैं अपलोड, वरना मत कीजिएगा। आप कितनी भी बार रिकॉर्डिंग्स डाल सकते हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं है, बट वंस यू डिड इट उसके बाद कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर कुछ रह जाएगा तो आपको फिर से ये पॉपअप मैसेज आ जाएगा कि आपने कुछ बहुत वीडियोस नहीं अपलोड किए हैं। आपको ये समझ जाना इसको देखकर, तो आप देख लीजिए कि कहाँ पे छूटा है, फिर आप अपलोड कर दीजिए। वंस यू अपलोडेड ऑल द 6 वीडियोस, ठीक है, करेक्टली, उसके बाद आपको ये मैसेज शो करेगा कि KBC ऑनलाइन ऑडिशन पूरा करने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं तो KBC की टीम अगले 15 दिनों के अंदर आपसे संपर्क करेगी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। बट वीडियो अभी ख़त्म नहीं होता है, मैंने बताया था ना कि मैं कुछ आपको खास टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। दोस्तों ऐसे तो बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मुझे आपसे शेयर करनी है, वो मैं आपसे शेयर करूँगी एक सेपरेट वीडियो में। कल मैं वो वीडियो अपलोड कर दूँगी और मेक श्योर कि आप लोग उसको बिल्कुल मिस ना करें। उसमें मैं ऐसी ख़ास बातें बताऊँगी जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो 100% माई फ्रेंड आपका वीडियो सिलेक्शन राउंड में सिलेक्शन होना ही होना है। ठीक है, तो अभी मैं एक चीज़ बताने वाली थी कि कॉम्प्रेस कैसे करना है वीडियो को। तो वीडियो कॉम्प्रेस के लिए आप किसी ऐप के थ्रू कर सकते हैं या फिर आप जो है अपनी गैलरी में से ही वीडियो कॉम्प्रेस कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए कल हम इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी यहीं पर मैं वीडियो करूँगी एंड। उसमें एक और वीडियो अपलोड होगी जिसमें मैं आपको बताऊं कि GK राउंड के लिए क्या क्या पढ़ना है, वो मैं आज ही अपलोड कर दूंगी। ठीक है दोस्तों, जाने से पहले एक और चीज़ कहना चाहूंगी कि रात को 9 बजे मैं हर दिन लाइव करती हूं, तो आज से लाइव का टाइम जो है 9 बजे नहीं 8:30 बजे होगा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, 8:30 बजे से लेकर हम 9:30 बजे तक अपनी लाइव करेंगे, जिसमें मैं आपको ऑडिशन के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस कराऊंगी। तो जिन लोगों को भी ऐड होना है, मेक श्योर 8:30 बजे आप मेरे चैनल को ज़रूर से विजिट करें। अगर नोटिफिकेशन आपको नहीं आता है तो मेक श्योर कि आपने बेल आइकॉन प्रेस किया हुआ है। तो रात को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक भूलिएगा मत #KBCGirl कहकशा अमरीन के साथ। तो दोस्तों यहीं पे मैं करती हूँ अपना वीडियो एंड और लेती हूँ आपसे अलविदा। ठीक है, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।